और अगर आप नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो के मिल जाया करें। मन्नापुरम फाइनेंस, आज इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जिन लोगों को NBFC की कंपनियों में इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट है और उनको लगता है कि एक शानदार कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस है और उस जैसा रिटर्न या फिर उसके जैसा उसका कम भी मिल गया तो भी चले, क्योंकि बजाज फाइनेंस ने 10 सालों में इतना रिटर्न दिया है कि लाख रुपए जिसने लगाए थे उनका करोड़ रुपए हो गया है। तो अब हमें ऐसी कौन सी कंपनियां चुननी चाहिए या चूज़ करनी चाहिए? हो सकता है कुछ कंपनियां छोटी हैं, धीरे धीरे अपनी ग्रोथ कर रही हैं, और जिन लोगों को लगता है कि अभी हम बजाज का जो स्टॉक प्राइस है, हालांकि फंडामेंटल वो भी बहुत अच्छी कंपनी है और अभी भी उसमें इतना पोटेंशियल है, उसमें जान है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको बना के दे सकता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ रिटेल निवेशकों की जो सोच होती है कि यार हम अगर बजाज फाइनेंस के 10 शेयर लेंगे तो हमें करीब करीब 30-35 हज़ार रुपये हमारा ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन वहीं हम छोटे प्राइस का स्टॉक लेंगे तो हमें क्वांटिटी वाइज बहुत सारे मिल जाएंगे। तो बहुत सारे देखने के चक्कर में नो डाउट लोग ऐसी कंपनियों में भी पैसा लगा देते हैं जो आपको रिटर्न अच्छा देते ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो छोटी प्राइस की हैं और उन पर ध्यान देना होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अच्छा रिटर्न आपको बना के दे चुकी हैं और आगे भी आने वाले समय में अनलिमिटेड, ये आपकी किस्मत पे भी तय करता है। और अगर कंपनी अच्छा कर रही है, लगातार ग्रोथ कर रही है, तो हो सकता है कि आपको अच्छा मुनाफा भी बना के दे। तो उसी सिलसिले में आज हम आगे बढ़ते हैं, मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। देखिए, फंडामेंटल, टेक्निकल ये सब देखना और मार्केट में क्या चल रहा है वो तो चलता रहेगा, वो देखना दोखना सब चलता रहे, लेकिन हमें ऐसे पोटेंशियल जिस कंपनियों में हो उसमें ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक को मिस ना करें, अच्छे फंडामेंटल कंपनीज़ को। तो देखिए, यहाँ पे मन्नापुरम फाइनेंस के 70 ईयर्स ऑफ सर्विस है, 70 सालों से ये सेवा दे रहे हैं, 25,000 से ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ हैं, कमिटेड लिखा हुआ इन्होंने, और 4.3 मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। और 4,300 ब्रांचेस है, मतलब 4,300 इनके पास शाखाएं हैं पूरे भारत में। और ये क्या करते हैं, ये बेसिक इनके जो प्रोडक्ट्स मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, गोल्ड लोन, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस फाइनेंस करती हैं, जो छोटी कंपनियाँ होती हैं, फॉरेक्स एंड मनी ट्रांसफ़र में भी हैं, कमर्शियल व्हीकल लोन भी प्रोवाइड करती हैं, और इंश्योरेंस में भी हैं, होम लोन में भी हैं, माइक्रो फाइनेंस छोटी जो कंपनियाँ होती हैं उनको भी लोन देती हैं, और अदर सर्विस में बहुत सारी सर्विसेज हैं। इस प्रकार ये गोल्ड लोन आपका रख के, जो इनका टॉप सेगमेंट है बेसिकली, जैसे इनका 97.25% इनको जो रेवेन्यू आता है, तो ये करते क्या है कि आपसे सोना लेंगे और आपको कम इंटरेस्ट रेट में, जो बाज़ार में बैंकों का जो चल रहा है उससे कम इंटरेस्ट रेट में आपको जो है कैश देते हैं, पैसा देते हैं, लोन देते हैं। तो इस वजह से अच्छा, अभी इनका जैसे एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस या मन्नापुरम फाइनेंस है, लोगों क्या लगता है अगर घर में रखा हुआ है सोना किसी काम का नहीं तो चलो हम यहाँ पे रख देते हैं, और हमें पैसे की ज़रूरत है तो कोई काम बना लिया जाए या अपने बिजनेस में लगा सकते हैं या जो भी काम के लिए लोग लोन लेते हों। तो ये जो चलन चला है, लोगों को एक तरीके से इसमें बढ़ावा इसलिए मिलता है कि पहले वो जहाँ लोकल सोनार या किसी ऐसे के पास, धन्ना सेठ के पास लोन गहने वगैरह रखते थे जहाँ रिस्क रहता था या और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे वहाँ से पैसे इनको उठाने पड़ते थे। तो ऐसी जो कंपनियाँ हैं जो गोल्ड लोन देती हैं, बैंक भी देती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कंपनियाँ फल फूल रही हैं। और सबसे बड़ा इनका जो सिक्योर बिजनेस यही है कि हमने आपका सोना रख लिया और आपको पैसा दिया तो आप लेके ही भाग जाएंगे, तो हम आपका सोना ऑक्शन करके बेच बाच के जो है उससे पैसा वसूल लेंगे। तो इसमें इनको लॉस नहीं होगा, मतलब इनका NPA नहीं बढ़ेगा जैसे कि अदर बैंक्स का या NBFCs का बढ़ जाता, जो नॉन गोल्ड NBFCs कंपनियां हैं। तो अभी इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स तो नहीं आए हैं, लेकिन हम वो भी दिखा देंगे। और सेल्स ग्रोथ देखिए इनकी जो है अच्छी है, 19.86 की लगातार बहुत शानदार है, फेस वैल्यू 2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.63 की, और स्टॉक पी है जो हम कंपेयर भी करेंगे 10.43 का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 13.28 का है। तो इस तरीके से अगर हम इनकी मार्केट कैप भी देख लेते हैं तो 9,681 करोड़, यानी एक मिड कैप कंपनी है। और आज 2 अगस्त
मार्केट बंद हो चुकी है, चार बज चुके हैं। बीएससी पे और एनएससी पे 113 रुपये के भाव पे ट्रेड हुआ है। थोड़ी सी गिरावट है पूरे बाज़ार में ही, काफ़ी दिनों से गिरावट चल रही थी, आज थोड़ा सा ग्रीन निशान देखने को मिला है। तो 52 वीक जो लो था इनका 66 रुपये, और 66 रुपये से 1 साल के अंदर ही देखिए 144 यानी डबल कर दिया, डबल से भी ज़्यादा। तो काफ़ी अच्छा इस साल इसने परफॉर्मेंस दी और फिर लगातार गिरावट की ओर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी नीचे गिरावट के लेवल पे मिलती है तो आप भरने से ना चूकें। भरना इन द सेंस क्या होता है, जैसे लगातार मार्केट में गिरावट हो रही है तो इसमें SIP आप कर सकते हैं। हर गिरावट पे कुछ थोड़े शेयर्स उठाए जा सकते हैं जिनको NBFC में इन्वेस्ट करना है। और हाँ, ये देखिए मिड कैप कंपनी है और अर्निंग पर शेयर है 10.94 की, पी रेशियो 10 का, जबकि इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ता है। इंडस्ट्री पी 29 समथिंग की है, बुक वैल्यू है 54 और प्राइस टू बुक है 2.09, फेस वैल्यू 2 की, और डिलीवरी 14% के आसपास है। अगर हम इनके पिछले रिजल्ट्स देखते हैं Q4 के, तो यहाँ पे दिसंबर 18 से मार्च 19 में अगर कंपेयर करें नेट सेल्स में, तो 1081 करोड़ की जो दिसंबर 18 में थी वही मार्च 19 में हो गए 1084, यहाँ थोड़ी सी मतलब अपसाइड है, तो लो अच्छी बात है। और वहीं पे सीधे अगर हम नेट प्रॉफिट में आते हैं तो 4.79% की ज़बरदस्त अपसाइड है, जो कि दिसंबर 18 में थी 245 करोड़ की और मार्च 19 में हो गई 256 करोड़ की। मार्जिन में थोड़ी सी यहाँ पे माइनर सी गिरावट है, लेकिन कोई बात नहीं। और अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं मार्च 18 से मार्च 19 में, तो अगेन यहाँ पर नेट सेल्स में 22.34% की अपसाइड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 34% की अपसाइड है, नेट प्रॉफिट में तो ज़बरदस्त 43. मतलब 43, 43.5% की अपसाइड है, और मार्जिन में भी यहाँ 5-6% के आसपास की अपसाइड है। तो शानदार ईयर ऑन ईयर के इनके रिजल्ट्स रहे, इस वजह से स्टॉक भी देखिए कितना डबल से ज़्यादा आपको रिटर्न दे चुका था, अब फिर नीचे गिरावट की ओर बढ़ रहा है। लेकिन क्वार्टर रिजल्ट्स भी हमें उम्मीद है कि अच्छे ही आने चाहिए इनके। और अगर हम रिटर्न वाइज देखते हैं कि क्या स्थिति है, तो देखिए 5 सालों के रिटर्न से यहाँ दिखा रहे हैं, इसका मतलब इसके पहले ये लिस्टेड नहीं थी। तो 5 सालों में 415% के अभी भी शानदार रिटर्न है, 4 सालों में 3-3.25% के आसपास के रिटर्न है, बहुत ही शानदार है, 3 सालों में 28% के, 2 सालों में 6 और 1 साल में 3, और ईयर टिल डेट यानी जिन्होंने जनवरी से पैसा इन्वेस्ट किया था 21% के आसपास के रिटर्न है, 6 मंथ में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको 20% से ज़्यादा के रिटर्न है, लेकिन 3 महीने से लगातार इसमें लाल पे निशान है। तो 3 महीने जिन्होंने पैसे पहले इन्वेस्ट किए उनको गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। तो अब इसमें देखते हैं कि गिरावट कब थमती जाके, तो हो सकता है कि इनके Q1 के रिजल्ट्स हैं तो पॉजिटिव आए तो और ये फिर परफॉर्म करना शुरू कर देगा, या फिर पूरे NBFC सेक्टर में ही ज़बरदस्त दबाव है तो ये भी प्रभावित होगा। तो हम ऐसे में स्ट्रेटजी यही बना सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके हर गिरावट पे लें, कुछ पता नहीं चलता कब जाके मार्केट कहाँ पे स्टेबल होगा। तो ऐसी कोशिश करेंगे, ऐसे अच्छे स्टॉक में फंडामेंटली मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। और बाकी मैं बता ही चुका हूँ कि काम क्या करती है, गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है। और अगर ये आपको डिविडेंड पे कितना किया है इसने, ये भी देख लेते हैं हम। देखिए डिविडेंड पे कर रहा है 54 पैसे पर शेयर के हिसाब से, इन्होंने इसी साल 27 मई 2018 को पे किया हुआ है, 1992 से इंसेप्शन है इसका। तो फ्रेंड्स एक ज़बरदस्त कंपनी है और हम बस इसका इंतज़ार है Q1 के रिजल्ट्स का, उसके बाद फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेरा यह पसंदीदा स्टॉक है, काफ़ी अच्छा रिटर्न 1 साल में बना था, लेकिन अभी गिरावट की ओर लगातार है। तो चलिए मिलेंगे जल्द आपसे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।